हेलो दोस्तों, आज हम अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की जो डेरिवेशन है प्रतिरोधों का संयोजन वो पढ़ेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसका जो हमारा है डेरिवेशन, हम आज उसको करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले उसका जो डेरिवेशन है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है समांतर श्रेणी में, एक होता है श्रेणी क्रम में। तो इसमें दो तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों को करने से पहले आपको ओम के नियम की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिना ओम के नियम के आप इसको नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ओम का नियम क्या है। तो दोस्तों, ओम का नियम जो है हमारा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक में जो धारा बहेगी उसके सिरों पर लगाए गए विद्युत विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होता है। बी प्रोपोर्शनलिटी होता है, आई बी बराबर आई आर के होता है और आर बराबर होता है वी अपॉन आई। हमारा जो होता है इस तरह से ग्राफ बनता है, आई ऊपर की तरफ होता है वाई एक्स इस पे, और बी हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस पे होता है, और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है आर प्रतिरोध इस तरह से दिया रहता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना रहता है। एक ये सिंबल जो है ओम का सिंबल, आर एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम का सिंबल इस तरह से लिखा रहता है, और एक ओम बराबर होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। सबसे उसके बाद हमारा सेकंड नंबर जो है प्रतिरोधों का संयोजन, जिसकी बात हम करना चाह रहे थे आपसे। तो उसमें पहले हम करेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में करने के पहले क्या करना है आपको, इस तरह से आपका रजिस्टेंस लगाना है। ये जो हमारा रजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 R3, ये तीनों लगे हैं श्रेणी क्रम में, और इसमें जो विद्युत विभवांतर V1 V2 V3 है, इसमें जो धारा बह रही है आई 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 इस तरह से बह रही है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ए से डी के बीच हम प्रतिरोधों का संयोजन निकालेंगे। तो हम जानते हैं ओम के नियम से बी बराबर आई आर होता है, तो बी बराबर आई आर जब निकालेंगे, बी वन बराबर निकालेंगे जब हम, बी वन बराबर आई आर वन, बी टू बराबर आई आर टू, और वी थ्री बराबर जब निकालेंगे आई आर थ्री होता है। और उसके बाद हमारा आई बराबर होता है, आई बराबर जो हमारा होता है आई बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों, जो हमारा ए और डी के बीच विद्युत विभवांतर जो रहेगा, ए व डी के बीच विद्युत विभवांतर हमारा रहेगा बी बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, इस तरह से रहेगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ जहाँ जहाँ आपका बी बराबर आई आर है, तो यहाँ सिंपली बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर वन, बी बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री पुट कर देना है। इस तरह से पुट करने के बाद अब उसको सिंपली क्या करना है, हम जानते हैं कि ए और बी के जो तुल्य प्रतिरोध, इसमें से क्या हो जाएगा हमारा आई कामन, सभी में आई है तो इसको हम कामन कर लेंगे। तो आई इस तरह से हो जाएगा बाहर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। समीकरण फर्स्ट मानेंगे जब इसको, तो आप देखते हैं कि ए ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हमारा है, तुल्य प्रतिरोध हमारा जो है बी बराबर आई आर के है। तो इसमें क्या करना, सिंपली यही मान आपका, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे, और यही समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से जब तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ जब हम लिखेंगे इसकी जगह पे बी बराबर हमारा यहाँ लिखेंगे आई आर, और हमारा यहाँ आई आर इस तरह से, और ये वाला मान यहाँ पुट करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह से होगा। अब देख रहे हैं यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, अब हमारा आर बराबर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरह से हमारा जो हो जाएगा
श्रेणी क्रम में हमारा मान निकल कर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से आप आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं, इस तरह से देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में समांतर क्रम में हम देखेंगे, तो समांतर क्रम में देखने के लिए आपको हम ले चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले समांतर क्रम में आप देख रहे हैं तीनों जो हमारे प्रतिरोध लगे हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। इसमें जो धारा भरे I1, I2, I3 और जो प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, और ये A और B के बीच में लग रहे हैं, और इसमें जो है विद्युत विभवांतर B है और धारा I है, इस तरह से लगे हुए हैं ये बैटरी में। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम जानते हैं I बराबर हो जाएगा हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3। तीन प्रतिरोध हैं I1, उसको तीन धारा भरी I1, I2, I3 इस तरह से बह रही है A और B के मध्य में, इन तीनों धाराएं बह रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे हम। इसको समीकरण फर्स्ट मानने के बाद आपका क्या करना है, उसके बाद हम निकालेंगे A और B के बीच विद्युत विभवांतर। जब A और B के बीच विद्युत विभवांतर निकालेंगे तो हमारा I बराबर हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा B/R1, Y2 बराबर हो जाएगा B/R2, और I3 बराबर हो जाएगा B/R3, इस तरह से हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे आप तो उसके बाद इसका मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो इसका मान जब सब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम, इसमें रखेंगे इन सभी का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो I बराबर हो जाएगा हमारा B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3, इस तरह से रखेंगे। और उसके बाद रखने के बाद इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब जब इसको रखेंगे हम और समीकरण सेकंड मान लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे सिंपली। अब देखेंगे A और B के मध्य जो है, A और B के मध्य A व B का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच, बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या है, आर है, आर है। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर B/R, इस तरह से हो जाएगा। और इसको समीकरण थर्ड मान लेना। अब क्या करना है, समीकरण सेकंड और थर्ड से, समीकरण सेकंड व थर्ड से तुलना करने पर, तब इसका हम तुलना करेंगे समीकरण थर्ड आओ इससे तुलना जब हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर आई बराबर हम देख रहे हैं यहाँ आई बराबर होगा B/R, इस तरह से होगा। और इसका जब हम यहाँ इसका मान रखेंगे पूरे का मान, तो हमारा हो जाएगा B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3, इस तरह से हो जाएगा। और जब हम बी को कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से हमारा जो है समांतर क्रम में निकल कर आ जाएगा। और यही हमारा होता है डेरिवेशन। और इसी तरह से आपका जो हमारा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जो भी डेरिवेशन है कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर से पूछता है या इस पर कोई न्यूमेरिकल दे देता। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें।